दोस्तों, मैं आ गई हूँ ओटी से बाहर। क्या बोलना है, बोलो क्या बोलना है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। बाय अम्मा। सो हेलो गाइस, तो घर में पहुँचने की महिला डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छी हैं वो। बोल सभी लोग, आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं भी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी मुझे मॉर्निंग के करीब हो रहे हैं 9:30, और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल की। और दोस्तों, मैंने ना कान में पता नहीं क्या जा रखा है, कीड़ा वगैरह, तो उसको दिखाने वाले जा रहे हैं। तो चलते हैं हॉस्पिटल की ओर, पहले काटते हैं पर्ची। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ ओटी से बाहर, और मेरा कान का कीड़ा भी निकल चुका है बाहर। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है आज पूरे हॉस्पिटल में। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है दोस्तों यहाँ पे। अभी घर जाके ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मतलब कीड़ा कितना बड़ा गया था मेरे कान के अंदर करके। उन्होंने अभी रुई में उसको रख के दे रखा है, तो मैं घर पे जाके दिखाऊंगी। देखो इन्होंने दे दिया थी, तो भैंस वाली दवाई मत खा। भैंस वाली दवाई बोल रहे मत खा। वो कान में ना दोस्तों इतनी बड़ी दवाई खानी थी भैंस वाली, इसको दवाई खा के वैसे भी परेशान। तो दोस्तों, अब चलते हैं घर की ओर। दवाई भी खरीद ली है हमने। क्या देखो कान में हमारे अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मुझे तो इतनी ज़्यादा डर लग गई जब मुझे ओटी में ले गए, क्या बता दूँ आप लोगों को। दोस्तों, आज इतनी ज़्यादा अब चलते हैं घर के और दिखा दूँ यार। बहुत टाइम लग गया यार काम का ना, मतलब कीड़ा निकालने में।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और ये खा रहे हैं यहाँ पे बनाना और आरू को भी खिला रहे हैं फिर भी साथ में। और देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा वो कीड़ा जो मेरे कान में गया था, ये देखो ये हो घर के। देखो मौसम कैसा हो गया शाम का, अब चलते हैं सीधे घर की ओर। बाय अम्मा। ये देखो दोस्तों मम्मी के पपीते के पेड़ कितने मस्त लग रहे हैं। चलो चलते हैं दुकान की ओर। चलो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। ये देखो मम्मी को कितना ठंडा हो रहा है स्वेटर पहन के। हेलो 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 हेलो। बस कान में पेन की वजह से मैं ज़्यादा कुछ दिखा तो नहीं पाई, अभी तो ठीक है पेन, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से आई ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वो निकाला था तो उसको खींचा ना जब तो बहुत ज़्यादा दर्द रहा था, तो इसलिए अभी तो ठीक है थोड़ा, दवाई वगैरह खाइए। देखो ये देखो वो लेवल मम्मा को देना और चॉकलेट खरीदो। बाय। के कान में थोड़ा दिक्कत आ गई थी जिस कारण कल उसके बर्थडे में, जैसे कि उसके बर्थडे में मैं इसको ले गया था एमरजेंसी में सरकारी हॉस्पिटल में, तो और जगह तो कहीं पर खुला नहीं था संडे की वजह से, लेकिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं इसलिए वहाँ पर शाम को 5 बजे तक ले गया था मैं। तो जब ले गया था तो वहाँ पर दिखाया था मैंने, डॉक्टर को बोला भी था कि कान बहुत दिक्कत आ रही है, कान में एक कीड़ा चला गया था, मैंने इसी टॉर्च से जो आर्का के हाथ में अभी इस टॉर्च से देखा था, तो बहुत बड़ा कीड़ा था उसमें, वो पता नहीं कब गया था इसके कान में इसको भी पता नहीं चला। तो जब मैंने देखा तो काफ़ी दिक्कत आने लग गई थी इसको, खुजली लगने लग गई थी, दर्द होने शुरू हो गया था, इसलिए मैंने देखा। तो देखने के बाद कीड़ा नज़र आया तो मैंने ज़्यादा देर न करते हुए इसको हॉस्पिटल पहुंचाया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो कल सुबह अभी आप दवाई ले जाओ, थोड़ा बहुत अगर दर्द होगा तो रात मिल जाएगी दवाई से, तो कल सुबह आना मॉर्निंग में। तो जैसे ही आज सुबह मैं मॉर्निंग में 9 बजे तक पहुँच गया था हॉस्पिटल इसको लेके, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने बोल दिया कि सरकारी अस्पताल जो भी पिथौरागढ़ का जो भी सरकारी अस्पताल है अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं था करके नीचे हमको यही बताया गया था। लेकिन फिर मैंने अपने किसी सहयोगी से बात करके उनसे बोला था कि आज कान के डॉक्टर बैठेंगे नहीं बैठेंगे करके, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ओटी में है। तो जैसे ओटी में है करके बोला था तो मैंने कहा देखेंगे नहीं देखेंगे करके, तो फिर किसी और सहयोगी ने बताया दिया था मेरे को कि ऊपर डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर के पास देख रहे हैं सबको, जिस वो भी नाक कान गला वाला वो है मरीज। तो मैं इसको लेके सीधे चला गया था ऊपर, तो उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर कविता नाम की महिला डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छी हैं वो, बोलने के लिए या इलाज के लिए जैसा भी है, मेरे को तो अच्छी लगी वो। फिर स्वभाव बहुत अच्छा है उनका, बाकी इनको ज़्यादा पता है दिशु को, क्योंकि अंदर तो यही गई थी, मैं तो बाहर से ही बस एक बार उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच कविता मैम। और दूसरी बात ये है कि थैंक यू सो मच मेरे सहयोगी जिन्होंने मेरे को बताया था इसके बारे में, ओटी के बारे में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा ये बोलने का एक ही मतलब था कि अगर कल के दिन भविष्य में दोस्तों किसी के भी साथ ये हो सकता है, अचानक कान में कुछ चला जाए या कुछ हो जाए, तो उसको प्लीज़ नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि छेड़खानी पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि डॉक्टर फिर छेड़खानी करने के बाद डॉक्टर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब वैसे भी तो लोकल के कहते हैं, गाँव घरों में भी बोलते हैं टूटके, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, कोई कुछ बोलता है करके, लेकिन मैंने भी मतलब थोड़ा बहुत सुन लिया था कि ऐसा करेंगे तो ठीक होगा, वैसा करेंगे तो ठीक है, लेकिन लास्ट ऑप्शन यही था कि डॉक्टर के पास तुरंत जाना था मैंने, ताकि मेरे को ऑप्शन वही मिलेगा सही का।
तो लास्ट ऑप्शन मेरे को वही मिला, तो मैं डॉक्टर के पास ले गया, तो सही हुआ। डॉक्टर ने भी बता दिया था कि ठीक टाइम पे ले आए आप, नहीं तो कल के दिन वो जो कीड़ा था वो घास के द्वारा, जब ये घास लेने गई थी खेत में तो उस दौरान इसके कान में चला गया था, इसको पता भी नहीं चला, तो घास के दौरान, घास लाने के दौरान इसके कान में गया था। तो जब वो खून खा खा के इसका मतलब थोड़ा मोटा हो गया था, तब इसको दर्द और खुजली लगना शुरू हुआ था। तो दोस्तों बस यही है कहना कि आप लापरवाही ना करें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर शॉप या डॉक्टर के किसी भी नज़दीक क्लिनिक पर जाएं और उसको उपचार करें। तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, देशों की तरफ से और हमारे सभी परिवार की तरफ से, सारे यूट्यूब परिवार की तरफ से थैंक यू सो मच। आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के आशीर्वाद से आज ठीक है, हम हमारा परिवार ठीक है। देखो यहाँ पर आरू भी ठीक लग रही है, आपको ये भी खुश है, पर खुश ये तो बहुत छेड़खानी करती है, रात को 12-1 बजे तक भी सोने का नाम नहीं लेती, क्योंकि दिन में खूब नींद निकाल के रखती है। अब इसकी वजह से हमको भी अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि हमारी आदत भी यही होने लग गई है, 12-1 बजे तक नींद ही नहीं आती है, हम भी इसके साथ खेलते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, थैंक यू सो मच। आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा भी आप लोगों को पता होगा कि हमारी वीडियो कैसी है, हमको कुछ इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो या नहीं हो पा रहा है आपके कहने, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको अपनी वीडियो के बारे में पता चलता रहेगा कि कहाँ पर कमी हो रही है कहाँ पर नहीं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। कीड़ा तो आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था हॉस्पिटल से आने के बाद, इतना बड़ा था वैसे वो, कल तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो हम लोगों ने दवाई वगैरह डाली तो रात को मर गया था कान में, तो उसकी वजह से वो सिकुड़ गया पूरा, इसलिए आप लोगों को बहुत छोटा दिख रहा है। वीडियो में तो और भी छोटा दिख रहा होगा, सामने तो फिर भी रूई में बड़ा दिख रहा था, और कल रात को जब देखते तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा बड़ा था वो, जब तक कि मरा नहीं था, मरने के बाद वो बिल्कुल सिकुड़ चुका था। तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच अगेन। तो अभी हम कम से कम 10:30 हो चुका है अभी, तो आज की वीडियो हम यहीं पर तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर आप लोगों को और भी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, और अच्छी बातें दिखाने की और बताने की बात वो आपके सामने रखेंगे। तो तब तक बने रहें हमारे साथ। आज की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट पेज पक्का करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए व्यूज़र जितने भी आएंगे तो हमें और अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो, हमारी जानकारी जितने भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़र के पास जाए, लोग देखें, ताकि हमको भी अच्छे लगने लगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम।